And then at the bottom is Herbs Premine Indus. Very clearly the logo says it. This is the foremost city in India. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अशर के आशियाने में. और जैसा कि आपको पता है मैं हूँ मुंबई में और आपको अलग अलग लोकेशन पर ले जाके अलग अलग लोकेशन का मैं टूर कराता हूँ. तो आज मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ VT स्टेशन, जो कि करीब में ही है. अभी मैं बस के अंदर, तो आपको पता चल पा रहा होगा यह है बस. और कुछ देर में मैं VT पहुंचूंगा, फिर आपको वहां के सारा लोकेशन में दिखाऊंगा. उम्मीद करता हूं ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएगा. तो ज़्यादा बातें नहीं करते, आपको लेकर सीधा चलते हैं VT की तरफ. बाहर का लोकेशन जो कि काफ़ी अच्छा है, और ये है मुंबई का पॉश एरिया कुलाबा, जो आप देख पा रहे हैं हमारे कैमरे में. ये पूरा कुलाबा का एरिया है. तो अभी मैं हूँ कुलाबा में, लेकिन लेके चलूँगा आपको VT की तरफ, और 5 से 10 मिनट में मैं VT पहुँच जाऊँगा. तो गाइस मैं उतर चुका हूँ VT यानी कि CST, और आप लोगों को यहाँ का पूरा नज़ारा कराता हूँ. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा. तो ये है कुछ VT के बाहर का एरिया स्टेशन का, जो आप हमारे कैमरे से देख रहे हैं, और मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ VT का पूरा स्टेशन. मैंने रोड क्रॉस करके दूसरे साइड पहुँच चुका हूँ, और काफ़ी बिजी एरिया है और काफ़ी खूबसूरत भी एरिया भी है, जो आप हमारे कैमरे में देख पा रहे होंगे. तो मैं अभी फ़िलहाल आप लोगों को उसके करीब लेके चलता हूँ, और आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा है ये CST. कुछ ऐसा है ये CST, जो कि काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, और ये महल है एक तरह से कह सकते हैं. अब इस महल को यहाँ पे स्टेशन बना दिया गया है, और ये कुछ ये नज़ारा है जो आप हमारे कैमरे से देख रहे हैं. और वहाँ पे पहुँच के भी मैं आपको दिखाऊंगा करीब से. फिलहाल अभी दूर से मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि पहुँचने में वहाँ पे 2-3 मिनट लगेंगे. तो चलते हैं वहाँ पे. तो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ. तो यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट भी है लोगों को सेल्फी लेने के लिए, क्योंकि अब लोगों को सेल्फी लेने की आदत हो गई है कि जहाँ देखते हैं कुछ अच्छी चीज़ तो सेल्फी लेते हैं. तो मैं आपको वो सेल्फी पॉइंट की तरफ ही लेके चलता हूँ, और आप हमारे इस कैमरे से देख सकते हैं यहाँ का एरिया, जो कि काफ़ी खूबसूरत है. तो मैं सेल्फी पॉइंट की तरफ चलता हूँ, और रोड क्रॉस करना पड़ेगा मुझे. तो रोड क्रॉस करते हैं, फिलहाल जाना पड़ेगा, क्योंकि तो भी बहुत बिजी रोड है ये. तो रोड क्रॉस तो मैंने कर लिया है, और पहुँचते हैं उस सेल्फी पॉइंट की तरफ, और आपको दिखाते हैं कुछ कैसा है ये सेल्फी पॉइंट. तो दिखाता हूँ मैं आपको सेल्फी पॉइंट. तो गाइस ये है हमारा सेल्फी पॉइंट, और हम भी चलेंगे इसके ऊपर, और आपको दिखाते हैं ये सेल्फी पॉइंट के ऊपर. फ़ोटो बहुत अच्छी आती है, क्योंकि तो जब भी इधर से गुजरता हूँ तो लोग यहाँ पर खड़े होकर पिक वगैरह लेते रहते हैं इस बिल्डिंग का. तो चलते हैं सेल्फी पॉइंट के ऊपर. गाँव में भी सेल्फी पॉइंट के ऊपर पहली बार मैं आया हूँ इसके ऊपर, और कुछ इस तरीके से लोग सेल्फी ले रहे हैं, और हमारे कैमरे में देख पा रहे होंगे सब लोग सेल्फी लेने में बिजी हैं. और सोचा मैं भी यहाँ पे आके आप लोगों को दिखा दूँ, और अपना भी एक सेल्फी ले लूँ. तो फिलहाल काफ़ी मज़ा आ रहा है, और गर्मी भी है, आज धूप भी कुछ ज़्यादा है, तो कुछ ऐसा दिखता है. तो मैं आपको पीछे का व्यू दिखाता हूँ कैमरा बैक करके. सेल्फी पॉइंट हमारा जो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कितने लोग हैं जो कि घूमने भी आए हैं, टूरिस्ट भी हैं लोग, और यहाँ पे मज़ा ले रहे हैं. और मैं भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअल में सेल्फी पॉइंट है ही वाकई, क्योंकि बहुत अच्छा लोकेशन है, बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है. और यहाँ पे गाइड है जो अपना कुछ कुछ बता रहे हैं टूरिस्ट को. तो कुछ ऐसा है ये लोकेशन, जो कि काफ़ी खूबसूरत है. और चलते हैं वापस, चलते हैं इसे रेलवे स्टेशन के अंदर, यानी CST जो अभी बिल्डिंग आपको मैं दिखा रहा था उसी के अंदर रेलवे स्टेशन है. तो चलते हैं वहीं, और मुझे जाना है वहाँ से कुर्ला, तो फिर लाल मुझे टिकट लेना पड़ेगा. तो रोड पहला मसला तो यहाँ से रोड क्रॉस करना है, क्योंकि कई रोड यहाँ पे आके मिलती है, तो टाइम लगता है, रोड क्रॉस करना पड़ेगा. और जो कि काफ़ी बिजी रोड है, और
चलो रुक गए, निकलते हैं, रोड क्रॉस करते हैं और इसी बिल्डिंग के पीछे पूरा रेलवे स्टेशन है तो हम चलते हैं। ये तो हमारा रोड क्रॉस हो गया लेकिन आगे तक जाना पड़ेगा, आगे जाके ही मुझे इन करना होगा क्योंकि यहाँ से पूरा घेरा हुआ है, बाउंड्री की हुई है और आगे से ही हम लोग क्रॉस करके अंदर आ सकते हैं। तो चलते हैं आगे साइड स्टेशन के तरफ और यानी कि बिल्डिंग के पीछे साइड जो कि रेलवे स्टेशन है पूरा। तो मुझे पहले टिकट लेना होगा और ये सामने ही है स्टेशन जो आप देख रहे होंगे हमारे कैमरे में, बैक साइड से मैं दिखाता हूँ। तो ये है जो आप पीछे देख रहे हैं, इसी से अंदर जाना है और सबसे पहला काम होगा मेरा टिकट लेना और फिर वहाँ से ट्रेन में पता करना होगा कौन से प्लेटफॉर्म पे आ रही है। तो चलते हैं, पहले टिकट लेते हैं। तो ये है अंदर करने का और कुछ ऐसा दिखता है और उसके ऊपर में एक बहुत ही पुरानी फैन है जो ऊपर लगी हुई है, जो सबसे बहुत बड़ी फैन है जो आप देख रहे हैं, काफ़ी बड़ी फैन है। और टिकट काउंटर उस साइड है तो चलते हैं, काफ़ी लंबा टिकट काउंटर भी है तो पहले टिकट ले लेते हैं। टिकट ले लिया है मैंने और टिकट कुछ ये टिकट है जो कि 10 रुपये का है। साफ यहाँ एक्चुअली यही फैसिलिटी है कि लोकल ट्रेन काफ़ी सस्ता है और बस किराया भी काफ़ी सस्ता है अपने यहाँ से कंपेयर करें जो प्राइवेट वगैरह चलती है। हमारे अपने यहाँ बोले तो बिहार से जो प्राइवेट बसें चलती है काफ़ी महंगा है लेकिन यहाँ पे काफ़ी सस्ता है। चलते हैं आप प्लेटफार्म के अंदर, मैं आप लोग जो कुछ ये है प्लेटफार्म जो आप देख रहे हैं, लोग इतने बिजी हैं सब। उस साइड में ट्रेन लगी हुई है और आगे इस साइड में जाना है और हर जगह वही फैन आपको, हर जगह ये फैन आपको दिख जाएगा तो ये काफ़ी बड़ा बड़ा फैन है। तो ये है बीपी के स्टेशन के अंदर का नज़ारा और ये है कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म और यही ट्रेन जो लगी हुई है, ये ट्रेन हमारी खुलना जाएगी तो इसी ट्रेन में चलना है। तो चलते हैं ट्रेन के अंदर और मैं आपको आ चुके हैं ट्रेन के अंदर और ये है कुछ प्लेटफॉर्म जो कि काफ़ी बड़ा है और ट्रेन भी खुल चुकी है हमारी। तो चलते हैं फिर वहाँ पहुँचते हैं, फिर आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाते हैं वहाँ तक। कुरला यहाँ से करीब आधे घंटे में पहुँच जाएंगे हम लोग। मैं कुरला स्टेशन उतर चुका हूँ और देख रहे हैं कुरला प्लेटफॉर्म को कॉल और जो कि इसी ट्रेन से उतरा, ये ट्रेन यहाँ पर जा रही है आगे की ओर और मैं प्लेटफॉर्म से बाहर निकलूँगा। और गर्मी की हालत ख़राब है, चेहरा काफ़ी चिपचिपा हो गया है, पसीना भी बहुत ज़्यादा आ रहा है क्योंकि आज कुछ गर्मी ज़्यादा है। तो अब यहाँ से प्लेटफॉर्म से बाहर निकलते हैं और फिर वहाँ से बस लेके मैं रूम फिर जाऊँगा। तो गाइस ये ब्लॉग को बस इतना ही तक रखते हैं क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आप लोगों से बस एक ही बात मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू सो मच।